गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज उवेश अली पाटिल। टुडेज टॉपिक स्किन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन्स। आई एम जनरली एक्सप्लेन द स्किन्स। जो स्किन के बारे में आप थोड़ा सा जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन है हमारा, वो है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हैज मेनी डिफरेंट फंक्शन। इसके अलग अलग कार्य होते हैं और ये हमारे जो आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक ऑर्गन इज लंग्स, हार्ट और लीवर को भी कवरिंग करने का कार्य करता है, यानी कवर करता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस एंड फिजिकल एब्रेशंस एंड रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्शन करता है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन टू गुमेंट्री सिस्टम्स का भी लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। जो स्किन की थिकनेस है हमारी बॉडी सरफेस पे अलग अलग भागों में पाई जाती है। जैसे थिक बॉडी के काफ़ी पार्ट्स पे, यानी मोस्ट प्रोबेबली बॉडी पार्ट्स पे जो स्किन का जो थिकनेस होती है वो 1 to 2 mm होती है। एंड जो पाम, सोल एंड स्केपुलम होते हैं उनमें जो स्किन की थिकनेस होती है वो 5 mm यानी 5 mm होती है। और जैसे बॉडी के अदर्स पार्ट्स जैसे आईलिड्स या पेरिन एरियाज है उनमें जो स्किन की थिकनेस है वो 0.5 mm होती है। तो जनरली मैंने आपको स्किन के बारे में बताया है। अब दैट स्टार्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्किन। द स्किन इज द कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड हैज ए मैनी डिफरेंट फंक्शंस। द स्किन इज द फार मोर देन जस्ट द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बींग। इट इज एन ऑर्गन जस्ट लाइक द हार्ट, लंग्स, एज और लीवर। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम पैथोजेंस, फिजिकल एब्रेशंस एंड रेडिएशंस फ्रॉम द सन, द स्किन सर्वेज मैनी फंक्शन एज वेल एज प्लाइंग ए वाइटल रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। यानी जो स्किन है हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, हैज मैनी डिफरेंट फंक्शन करता है। द स्किन इज ए फार मोर देन आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो हमारे बींग्स के फार मोर जो आउटर कवरिंग एरिया यानी बॉडी को कवर करने का कार्य करता है, जिस ऑर्गन है हार्ट, लंग्स और लीवर, ये बेस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन हम पैथोजेंस, फिजिकल एब्रेशन एंड रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट्स। द स्किन सर्व मैनी फंक्शन एज वेल प्लाइंग ए वाइटल रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की तरह हमारे बॉडी में भूमिका निभाता है, यानी वाइटल रोल करता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ द मेंटेनिंग एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी जो होम्योस्टेसिस होता है वह हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, स्टेबल रखता है, स्टेमिनल रखता है। उसी तरह हमारी जो स्किन है बॉडी की, वो भी हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस को स्टेमिनल रखती है, स्टेबल रखती है। द नेक्स्ट इज दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग ए कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द एक्ट्स ऑफ स्वेटिंग एंड शिवरिंग, बाय द मेकिंग योर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू द इंफॉर्मेशन परसीव विद द टच रिसेप्टर लोकेटेड विद द इंटीगुमेंट्री सिस्टम्स। यानी जो स्किन से वह पसीने के द्वारा जो ग्रंथि है स्वेट ग्लैंड्स, उनके द्वारा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और बाहर के जो रिसेप्टर्स है टच परसीव लोकेटेड विद द इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट इज इट ओनली टेक्स वन विजिट टू ए बर्न यूनिट टू सी द वॉल ऑफ द एंड द मैनी कॉम्प्लिकेशन दैट अराइज व्हेन दिस ऑर्गन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हम बर्न यूनिट में ये देख सकते हैं कि जो स्किन के मैनी जो कॉम्प्लिकेशन होता है अराइज व्हेन द कॉम्प्रोमाइज, कैसे हम स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब ये स्किन बर्न या डैमेज होती है। द स्किन इज डिवाइडेड इंटू टू मेन रीजन्स, टू एपिडर्मिस एंड द डर्मिस।
स्किन को दो भागों में बांटा गया है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ईच प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट रोल। हर एक का अलग अलग रोल होता है, फंक्शन होता है ऑफ द स्किन में। द डर्मिस इज अटैच टू अंडरलाइंग, जो अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस से अटैच होती है, आल्सो कॉल्ड सब कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम सब कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, विच स्टोर्स एडिपोस टिश्यू, जो एडिपोस टिश्यू को स्टोर रखती है एंड रिकॉग्नाइज द सुपरफेशियल्स सुपरफेशिया ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी, जो ग्रॉस एनाटॉमी को रिकॉग्नाइज करती है। अब इसकी डेफिनेशन स्किन की। द स्किन इज ए सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल, इन पार्टिकुलर ए वर्टिब्रेट। द ऑब्जेक्टिव कुटेनियस लिटरली मीन्स ऑफ द स्किन, फ्रॉम लैटिन कटिस स्किन। तब तक एक जो का एक नरम भारी आवरण है, विशेष रूप से ये एक वर्टिब्रेट, विशेष रूप से एक वर्टिब्रेट यानी जिसका त्वचा का शब्दिक अर्थ है लेटिन कटिस त्वचा से है, जो वर्टिब्रेट यानी इज ए एनिमल, दिस टाइप इज ए बैकबोन एंड स्केलेटन सिस्टम। ये एक वर्टिब्रेट होती है जो स्किन के बैकबोन की तरह हमारे एडजेक्टिव होती है, और स्किन का जो शब्द है वह लैटिन शब्द है, लैटिन कटिस शब्द त्वचा से है। इन एनिमल्स द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑफ द इंटीगुमेंट्री सिस्टम्स, यानी इंटीगुमेंट्री सिस्टम का ये बड़ा ऑर्गन है, मेड अप मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू एंड गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल्स बोन्स लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन। यह एक गार्ड्स की तरह हमारे सभी मसल्स लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। स्किन प्ले ए की रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग, ये एक चाबी की तरह हमारा प्रोटेक्टिंग रोल अगेंस्ट पैथोजेंस, एक्सेसिव वाटर लॉस में भी ये काफ़ी एक की तरह काम करती है, जो बाहरी एटमोसफेयर जो बैक्टीरिया जो उनसे रक्षा करती है। इट्स अदर फंक्शन आर इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन बी फोलेट्स। सीवियरली डैमेज स्किन विल ट्राई टू हील बाय फॉर्मिंग स्कार टिश्यू, दिस इज ए ऑफन डिसकलर्ड एंड डेपिगमेंटेड। ये होगी डेफिनेशंस स्किन्स की। अब है फंक्शन ऑफ द स्किन्स। नेक्स्ट इज द स्किन फंक्शंस इज द थर्मोलोगुलेशंस, प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड सेंसेशन। स्किन परफॉर्म द फ्लोविंग फंक्शंस, जो स्किन के फंक्शन है, पहला है थर्मोलोगुलेशन, प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन एंड सेंसेशन। फंक्शन में पहला द फर्स्ट फंक्शन एन एनाटोमिकल बैरियर फ्रॉम पैथोजेंस एंड डैमेज बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन बॉडीली डिफेंस लेगन हैंड सेल्स इन द स्किन आर पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। यह एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की तरह कार्य करती है, जो हमारे बाहरी बाहरी जैसे एटमोसफेयर में बैक्टीरियाज है, टॉक्सिक्स है, यूवी रेज है, उनसे हमें बचाव करती है। मेलामिन जो होता है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और हमारी जो स्किन होती है उन यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये टॉक्सिक पदार्थों से रेज हमें बचाती है, यानी जो स्वेट ग्लैंड है जिससे पसीना है उसमें लाइसोम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। सेकेंड इज सेंसेशन, कंटेंस ए वैरायटी ऑफ नर्व एंडिंग that react to heat and cold, touch, pressure, vibration and tissue injury, यानी नर्व एंडिंग के द्वारा हमें स्किन के द्वारा सेंसेशन का अनुभव होता है, जैसे टच, ठंडा, गर्म, वाइब्रेशन और किसी इंजरी होने पे। देन एग्जाम्पल इज किसी गर्म पानी में हाथ डालने पर तुरंत हमारा हाथ बाहर आता है, ये एक
नर्व एंडी के द्वारा जो सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, जिससे हमारा हाथ तुरंत गर्म पानी से हट जाता है। थर्ड इज हीट रेगुलेशंस। द स्किन कंटेंट्स ए ब्लड सप्लाई फोर ग्रेटर देन इट्स रिक्वायरमेंट्स विच अलाउज प्रेसाइज कंट्रोल ऑफ एनर्जी लॉस बाय रेडिएशन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तब चाहे जो हीट को ब्लड सप्लाई के द्वारा मेंटेन रिक्वायरमेंट देती है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है उसको कंट्रोल करती है, जिसे लॉस बाय रेडिएशन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन चलन और नियंत्रण के द्वारा जो कमी से जो नुकसान होता है हमें। जो डायलेटेड ब्लड वसल्स इंक्रीज परफ्यूजन्स एंड हीट लॉस विल कंसिट्रेटेड वसल्स ग्रेटली रिड्यूस क्यूटेनियस ब्लड फ्लो एंड कन्वर्ट्स हीट। जो डायलेटेड ब्लड वसल्स है वो इंक्रीज करती है परफ्यूजन्स को और हीट लॉस को। विल कंसिट्रेटेड वसल्स ग्रेटली रिड्यूस, जो कंसिट्रेटेड वसल्स होती है वे ग्रेटली रिड्यूस क्यूटेनियस ब्लड फ्लो को फैलाती है एंड कन्वर्ट्स हीट को कन्वर्ट हीट में कन्वर्ट करती है। जो इरेक्टाइल मसल्स आर सिग्निफिकेंट इन एनिमल्स। फोर्थ इज फंक्शंस कंट्रोल ऑफ इवापोरेशंस। द स्किन प्रोवाइड्स ए रिलेटिवली ड्राई एंड सेमी इम्परेबल बैरियर टू फ्लूड लॉस। द नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर स्टोरेज एंड सिंथेसिस। यानी जो हमारी स्किन है वो किनको स्टोरेज करती है और किनको सिंथेसिस करती है। एट एज ए स्टोरेज कंटेन फूड लिपिड्स एंड वाटर। हमारी जो स्किन है वसा को स्टोरेज एंड वाटर को स्टोरेज यानी फ्लूड लॉस, जैसे उस दौरान हमारा ही जो रेगुलेशन ऑफ वाटर को मेंटेन रखना, ये हमारे स्किन कार्य करती है। एब्जॉर्बेशंस। एब्जॉर्बेशन मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज इनटू द एपिडर्मिस इन स्मॉल अमाउंट। जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वह डिफ्यूज होती है एपिडर्मिस में स्मॉल अमाउंट में। सम एनिमल्स यूजिंग देयर स्किन फॉर देयर रोल रेस्पिरेशन ऑर्गन। टू पॉपुलर बिलीफ हाउएवर ह्यूमन डू नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू द स्किन। ये कहा गया है कि ह्यूमन्स में जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्बन होता है वो स्किन के द्वारा नहीं होता। स्किन में जैसे देन एग्जाम्पल इज आउटमेंट को क्रीम को तुरंत एब्जॉर्ब करने की जो फंक्शन होता है वो होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज वाटर रेसिस्टेंस। द स्किन एक्ट एज ए वाटर रेसिस्टेंट बैरियर सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट फंक्शन में जो जैसे स्वेट ग्लैंड है वो पसीने के जरिए रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन रखती है। जो सुमिसस ग्लैंड है वो हमारे स्किन को स्मूथ रखती है। तो ये हमारी स्किन के फंक्शंस हो गए। देन इज स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन्स। द स्किन्स एपिडर्मिस डर्मिस स्वेट ग्लैंड्स दैट इज लेफ्ट साइड इज हेयर फोलिकल्स वेन्स आर्टरीज हेयर। देन इज टुडेज टॉपिक स्किन डेफिनेशन इंट्रोडक्शंस एंड फंक्शंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ स्किन्स। स्टडीज वेल। थैंक यू एवरीवन। हैव ए गुड डे। थैंक यू। द सेकेंड इज स्किन लेयर स्किन एनाटॉमी। स्किन इज कंपोज ऑफ थ्री प्राइमरी लेयर्स एपिडर्मिस डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज द प्राइमरी मेड अप द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। जो एपिडर्मिस है वह प्राइमरी केराटिनाइज्ड को बना स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम बनाती है, यानी क्रिएटिनिन को बना केराटिनाइज्ड करती है मल्टीपल लेयर्स में और फ्लैट शेप में। एपिथीलियम एक सेल्स की लेयर बनाती है। द एपिडर्मिस इज लेयर दैट गिव ए स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन। जो एपिडर्मिस है वे स्किन्स को स्ट्रेंथ प्रदान करती है स्ट्रेंथ देती है। वेयर इज द थिकनेस फ्रॉम ए फ्यू आईलिड्स। जो स्किन की थिकनेस है वह आईलिड्स में 0.5 mm पाई जाती है एंड सोल एंड पाम में ये काफ़ी मोटी इनकी थिकनेस काफ़ी मोटी होती है, यानी 5 mm की तरह। इट डज नॉट ए हैज एनी वेस्कुलेशन। इसमें कोई तरह की ब्लड सप्लाई नहीं होती।
वैस्कुलेशन मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सो इट रिलीव्स ए अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वह डर्मिस के यानी डर्मिस डीप टू डर्मिस से लेती है, डर्मिस में ब्लड सप्लाई होती है। द नेल्स आर मेड इन द एपिडर्मिस, जो नेल्स है वो एपिडर्मिस से ही मेड होते हैं, बनते हैं। द स्टार्ट इज एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड प्रोवाइड द फर्स्ट बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इनटू द बॉडी। जो एपिडर्मिस है वह स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है, जो प्रोवाइड ए फर्स्ट बैरियर टू प्रोटेक्शन इन्वेशन फॉरेन सब्सटेंस टू बॉडी, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है फॉरेन सब्सटेंस से हमारी बॉडी को। एपिडर्मिस यानी एपी कमिंग फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग ओवर या ओपन इज ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, इट फॉर्म्स द वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव रैप ओवर द बॉडी सरफेस एंड इज मेड अप द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विद एन अंडरलाइंग बेसल लेमिना। जो अंडरलाइन बेसल है वहाँ पे ये सेल्स जो है एक ग्रुप में स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर होती है, स्क्वामस यानी फ्लैट शेप में एपिथेलियम यानी ग्रुप में विद एन अंडरलाइंग बेसल लेमिना में ये एक ग्लैंड से एक ग्रुप में मल्टीपल लेयर होती है। द मेन टाइप्स ऑफ सेल्स विच मेकअप द एपिडर्मिस आर मार्कल सेल्स, केराटिनोसाइट्स विद मेलानोसाइट्स एंड लैंगरहैंस सेल्स आल्सो प्रेजेंट। और इसमें चार प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो एपिडर्मिस को मार्कस सेल्स, केराटिनोसाइट सेल्स एंड मेलानोसाइट सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स आल्सो इज प्रेजेंट वहाँ पे होती है। पहला है कि केराटिनोसाइट्स है वह द सेल टाइप डेट ए मैक्स द एपिडर्मिस इज ए केराटिनोसाइट। जो एपिडर्मिस है वो पहले केराटिनोसाइट्स को बनाती है, केराटिनोसाइट्स की टाइप सेल्स बनाती है जो केराटिन को बनाती है। केराटिन इज ए प्रोटीन मेड दी सेल्स, जो केराटिनाइज होता है वो केराटिन बनाते हैं। केराटिन एक प्रोटीन मेड टाइप सेल्स होती है और केराटिन इज ए वाटर प्रूफ एंड स्ट्रॉन्ग, जो केराटिन होता है सेल्स होती है वो वाटर प्रूफ होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है मार्कस सेल्स, मार्कस सेल्स यूज ए सेंसरी रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ द लाइट एंड टच। थर्ड है मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस मेलानिन जो स्किन को कलर प्रोवाइड करती है, यानी हमारे स्किन कलर डार्क ब्राउन पिगमेंट जो मेलानिन के कारण होता है, क्योंकि द ओनली कलर पिगमेंट वी कैन प्रोड्यूस। एवरीवन सेल्स हैज ए सेम नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स, जो मेलानोसाइट सभी सेल है वे एवरीवन एक ही नंबर से होती है, बट दे डू नॉट ऑल मेक द सेम अमाउंट ऑफ पिगमेंट सो पीपल हैव डिफरेंट स्किन कलर्स। सभी में ये सेल्स अलग अलग प्रकार की पाई जाती है जिससे कई कई में स्किन का कलर अलग अलग होता है। तो ये हो गई आपके डर्मिस, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसमें कंपोनेंट्स है। द एपिडर्मिस कंटेंट्स ए ब्लड वेसल्स सेल्स एंड डिपेंड्स लेयर ऑफ नरिश बाय डिवीजन फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एक्सटेंडिंग टू द अपर लेयर्स ऑफ द डर्मिस। डर्मिस की ऊपर जो एपिडर्मिस के द्वारा ही हमें नरिशमेंट, ब्लड सप्लाई आदि एपिडर्मिस के द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई नहीं होती, डर्मिस में ब्लड सप्लाई होती है। द एपिडर्मिस हेल्प द स्किन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और इसके दौरान ही एपिडर्मिस जो है वह स्किन के रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करती है। सेकेंड है लेयर्स, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस डिवाइडेड इनटू द सीवरल लेयर्स विद वेयर द फॉर्म ऑफ थ्रो माइटोसिस एट द इनर मोस्ट लेयर। जो अंदर की सबसे जो इनमोस्ट लेयर होती है वो माइटोसिस होती है। दे मूव अप द स्ट्रेटा चेंजिंग शेप एंड कंपोजिशन, दे आर डिफरेंट एंड बिकम फिल्ड केराटिन। दे मूव अप द स्ट्रेटा चेंजिंग शेप एंड कंपोजिशन, दे डिफरेंशियल एंड बिकम फिल्ड एट ए केराटिन।
दे इवेंचुअली रीच द टॉप लेयर कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड आर स्लग ऑफ डेस्क्यू मेटेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेटिनाइजेशन एंड टेक्स पैलेस विद ए विक्स. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंसिस्ट टू 25 to 30 लेयर्स ऑफ डेड सेल्स. द क्रेटिनाइज लेयर्स ऑफ स्किन इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर कीपिंग वाटर इन द बॉडी एंड कीपिंग अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड पैथोजन्स आउट, मेकिंग स्किन ए नेचुरल बैरियर टू इन्फेक्शंस. द एपिडर्मिस इज द सब डिवाइडेड इंटू द 5 लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा, स्ट्रेटम, जर्मिनेटम. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. 5 लेयर्स स्ट्रेटा, 5 लेयर्स सब डिवाइडेड एपिडर्मिस होती है. जो लेयर्स है उसको याद करने और उसकी हिस्ट्री से याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये हमने एक बेसमेंट बनाया, तैयार किया है, जिसमें हमने कुछ फ्लोर बनाए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, जिसमें फर्स्ट फ्लोर में मैंने सबसे पहले रखा है पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न है लास्ट में है बेसमेंट. स्ट्रेस विद स्पाइक्स, शुगर ग्रैनुलम्स, लुसिडियम लोशन एंड पॉपकॉर्न. फर्स्ट में हम बेसमेंट से चलते हैं. बेसमेंट्स पे हमने पॉपकॉर्न लेने के लिए ऊपर की तरफ चले, ऊपर की तरफ चले तो हमने सीढ़ियाँ लगा के जैसे ऊपर चले तो कुछ स्पाइस प्रकार के इन कांटों के समान कुछ चीज़ें पड़ी थी, जिसको हम स्ट्रेटम, स्पाइनोसम के नाम से याद रख सकते हैं, स्पाइक्स यानी स्पाइनोसम. थर्ड, फिर हम ऊपर चले तो हमने शुगर का, हमें ये लगा कि हमने पॉपकॉर्न में शुगर डाल के खाएंगे तो उसके लिए हमने शुगर का डब्बा उठाने के लिए, शुगर के लेने के लिए थर्ड फ्लोर पे गए तो देखा कि वहाँ पे शुगर ग्रेनुलर्स में हम ये याद रख सकते हैं कि शुगर ग्रेनुलोसम यानी थर्ड हो गया स्टेटम ग्रेनुलोसम. फिर हमने ऊपर फ्लोर पे चले तो ऊपर देखा कि हमने एक जैसे वो शुगर वाला डब्बा उठाया था तो वहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ था जिसको लुसिडियम लोशन कहते हैं, जो हमारे सिर्फ हाथ पे और पाम यानी सोल सिर्फ वहीं वो टच किया और उस दो ही जगह वो चीज़ को उसने चिपचिपा किया. वो लेने के बाद हम जैसे स्टेटम लुसिडियम आ गया याद करने के लिए, यानी लुसिडियम लोशन से लुसिडियम स्टेटम लुसिडियम. फोर्थ, फिफ्थ लास्ट में है जो पॉपकॉर्न हमने लिया तो वो हो गया स्टेटम कॉर्नियम. तो ये हो गया एक ट्रिक जो छोटी सी, जिसमें हम ये नाम याद रख सकते हैं कि कैसे हम नीचे से बेसमेंट से चले, सीढ़ियाँ लगाई, सीढ़ियाँ लगा के जैसे ही हमने बीच में कुछ कांटों के समान चीज़ें पड़ती स्पाइक्स यानी स्पाइनोसम. फिर हमने और ऊपर चले तो हमने देखा कि शुगर का डब्बा उठाया और शुगर डाल के हम पॉपकॉर्न खाएंगे तो शुगर से ग्रेनुलोसम स्टेटम ग्रेनुलोसम. फिर हम और ऊपर चले तो हमने सोचा जैसे डब्बा उठाया तो वहाँ पर कुछ चिपचिपा सा लुसिडियम लोशन टाइप पड़ा था तो वो हमारे हाथ पाम के और सोल के पैरों में यानी चिपक गया, सिर्फ दो ही जगह चिपका वो और कहीं नहीं. फिर हम ऊपर चले जैसे पॉपकॉर्न हमने उठाया कॉर्न यानी कॉर्नियम स्टेटम कॉर्नियम लास्ट. तो ये हो गई आपके लेयर्स 5. पहली हो गई स्टेटम बेसमेंट्स यानी या स्टेटम जर्मिनेटिवम. सेकेंड स्टेटम स्पाइनोसम्स. थर्ड स्टेटम ग्रेनुलोसम्स. फोर्थ स्टेटम लुसिडियम. फिफ्थ स्टेटम कॉर्नियम. तो फर्स्ट लेते हैं हम स्टेटम बेसमेंट या फर्स्ट इज स्टेटम बेसमेंट या जर्मिनेटिव. द स्टेटम जर्मिनेटिव्स प्रोवाइड ए जर्मिनल सेल्स नेसेसरी फॉर द डिग्रेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. दीज जर्मिन सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम द डर्मिस बाय ए थिन लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो स्टेटम जर्मिनेटिव है वह प्रोवाइड करते हैं जर्मिनल सेल्स, जो नर्सरी हमें आवश्यक होती है
रिग्रेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, दीज जर्मिनल सेल्स आर सेपरेट फ्रॉम डर्मिस, जो डर्मिस को सेपरेट करती हैं बाई ए थिन लेयर, एक पतली लेयर से। आफ्टर ए माइटोटिक डिवीजन ए न्यूली फॉर्म्ड सेल्स विल इंडरगो प्रोग्रेसिव मैचुरेशन सेल्स क्रिटिनाइजेशन एज इट्स माइग्रेट टू सरफेस टू द सरफेस। जैसी न्यू सेल्स बनती है वह बेसल एरिया से ओल्डर सेल्स को पुश करती है, बिकम ए नेक्स्ट लेयर जो बनती है वो स्पाइनोसम होती है। यानी एज न्यू सेल्स आर मेड इज द एस बेसल्स, यानी स्टेटम बेसल्स में जैसी नई सेल बनती है तो वो ओल्डर सेल को गेट पुश्ड अप कर देती है ऊपर की तरफ और बिकम ए नेक्स्ट लेयर आ जाती है जैसे स्पाइनोसम्स। तो नेक्स्ट इज स्टेटम स्पाइनोसम्स। द सेल्स इज द सेल्स दैट डिवाइड इन द स्टेटम जर्मिनेटिवम सून बिगिन टू एक्यूमुलेटेड मैनी डेस्मोसोम्स ऑन देयर आउटर सर्फेस विच प्रोवाइड ए चैरेक्टरिस्टिक पिक्स सीन ऑफ द क्लोजअप व्यू द स्टेटम स्पाइनोसोम्स विच इज ऑफन कॉल्ड द प्रिकल सेल लेयर। जो स्पाइनोसोम्स है दे आर ए अटैच टू ईच अदर डोस्मोसोम्स, यानी डोस्मोसोम्स से अटैच होते हैं विच आर पॉइंटली एंड स्पाइनी, यानी स्पाइनोसोम्स से। द सेल्स आर स्टिल अलाइव बट दे नो लॉन्गर डिवाइड इन द इन दिस लेयर। ये सेल्स जिंदा तो होती है पर लंबे टाइम तक ये डिवाइड नो लॉन्गर डिवाइड इन दिस लेयर डिवाइड नहीं रहती। दे आर नॉट डेड, ये मरती नहीं है, जस्ट ए मेनपॉज। नेक्स्ट द आल्सो कंटेन्स लैग्रेंज सेल्स विच आर वाइट ब्लड सेल्स दैट फंक्शन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, दे आर मेड इन द रेड बोन मेरो। प्रिकल सेल्स जो होती है स्टेटम स्पाइनोसम्स विच ए ऑफन कॉल्ड ए प्रिकल सेल्स लेयर। नेक्स्ट इज स्टेटम ग्रेनुलोसम द प्रोग्रेसिव मैचुरेशन ऑफ ए केराटिनोसाइट्स इज कैरेक्टराइज्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिन कॉल्ड केराटिनाइजेशन द सेल्स ऑफ द स्टेटम ग्रेनुलोसम एक्यूमुलेट डेंस बेसोफिलिक क्रेटो हाइलिन ग्रेनुलोन्स। दीज ग्रेनुलोन्स कंटेंट्स लिपिड्स विच ए लॉन्ग ए डेस्मोसोम्स कनेक्शंस हेल्प ए फॉर्म वाटरप्रूफ बैरियर डेट फंक्शन टू प्रिवेंट फ्लूड लॉस फ्रॉम द बॉडी। जो स्टेटम ग्रेनुलोन्स होते हैं एज ए मोर न्यू सेल्स आर मेड इन टू बेसल्स द स्पाइनोसोम्स लेयर इज ए पुश्ड अप द बिकम एस ग्रेनुलोसम्स लेयर। द सेल्स इन द एस ग्रेनुलोसम्स लेयर बिगिन टू डाई बिकॉज देयर आर ए न्यू टू फॉर फ्रॉम न्यूट्रिएंट सोर्स इन डर्मिस। जो ग्रेनुलोसम है उसमें न्यू सेल्स में मेड होती है बनती है तो एस बेसल से वे एस स्पाइनोसम में लेयर इज पुश्ड अप कर देती है, यानी और ऊपर की तरफ पुश अप करती है ग्रेनुलोसम्स लेयर से। द सेल इज द एस ग्रेनुलोसम बिगिन एंड डाई, एस ग्रेनुलोसम जो सेल्स होती है मरती नहीं है बिकॉज दे आर ए न्यू फार फ्रॉम न्यूट्रिएंट सोर्स इन डर्मिस, वेयर न्यूट्रिएंट डर्मिस में न्यूट्रिएंट सोर्स होता है जो सेल्स को ग्रेनुलोसम में न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। नेक्स्ट इज स्टेटम लूसिडम, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम स्टेटम ग्रेनुलोसम से लूसिडम की तरफ जब शुगर का डब्बा उठाते हैं तो कुछ चिपचिपा पदार्थ दो ही जगह जाता है, सिर्फ पाम और सोल में। तो एपिडर्मिस वेरी इन थिकनेस थ्रू द बॉडी डिपेंडिंग मेनली इन फेसिस फोर्सेस एंड थिकनेस ऑफ द पाम्स ऑफ द हैंड सोल्स फिट। द स्टेटम लूसिडम इज नॉर्मली ओनली वेल सून थिकनेस एपिडर्मिस एंड रिप्रेजेंट
ट्रेडिशनल फ्रॉम द स्टेटम ग्रेनुलोसम टू द स्टेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट इज स्टेटम कॉर्नियम। एज द एक्यूमुलेट्स क्रेटिनोहाइलिन ग्रेनुलर्स इट इज द थॉट द रैप्चर ऑफ लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन्स रिलीज लाइसोसोम्स एंजाइम्स दैट इवेंटली कॉज सेल डेथ। द डेड एंड डाइंग सेल्स फील्ड द मैच्योर केराटिन फ्रॉम स्टेटम कॉर्नियम। जो डेड सेल्स है वे केराटिन को स्टेटम कॉर्नियम बनाती है। द डीपर सेल्स ऑफ स्टेटम कॉर्नियम रिटेन देयर डेस्मोसोम जंक्शंस बट दे आर पुश्ड टू द सरफेस बाय न्यूली फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द स्टेटम जर्मिटियम। द डेड सेल्स gradually break part and are the lost a process called desquamation। desquamation yani nucleus loss yani सेल्स का झड़ना या ख़त्म होना, उसको हम डेक्लेमेशन कहते हैं। यह न्यूक्लियस लॉस्ट यानी खो जाना। एज मोर न्यू सेल्स आर इसमें यह होता है कि स्टेटम कॉर्निया में एज मोर न्यू सेल्स आर मेड इन एस बेसल्स द सेल्स आर डेमोसमेशन यानी जो सेल्स है न्यू सेल्स बनने पे बाकी सेल्स है जो पुरानी सेल्स ओल्ड सेल्स है वो झड़ जाती है यानी इस प्रोसेस को हम डेस्क्यूमिनेशन कहते हैं। सेकंड इज डर्मिस। सेकंड लेयर इज डर्मिस। द डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन बिनीथ द एपिडर्मिस दैट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड क्यूजेंस द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो डर्मिस है वो एपिडर्मिस के नीचे की त्वचा की परत होती है। जो संयोजक ऊतक होते हैं शरीर के जो तनाव और स्ट्रेस को कम करते हैं ये दूर करते हैं। डर्मिस इज द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट के द्वारा जो डर्मिस है वो एपिडर्मिस से जुड़े होते हैं। इट आल्सो हर्बर्स मैनी मैकेनोरिसेप्टर्स यानी नर्व एंडिंग दैट प्रोवाइड द सेंस ऑफ टच एंड हीट। वह हमें सेंस प्रोवाइड करते हैं टच एंड हीट के जो नर्व एंडिंग होते हैं। इट कंटेन द हेयर फॉलिकल्स ये हेयर फॉलिकल्स स्वेट ग्लैंड्स सेबेसियस ग्लैंड्स एपोक्राइन ग्लैंड्स लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स से कंटेन होते हैं जुड़े होते हैं। द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट। जो ब्लड होती है वो डर्मिस को नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल यानी जो अकर्क पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह फ्रॉम द इन ओवन सेल्स सेल्स के अंदर से एज वेल एज फ्रॉम द स्टेटम बेसल्स ऑफ द एपिडर्मिस। जो स्टेटम एपिडर्मिस से जो एवेस्ट सब्सटेंस होते हैं इनको रिमूवल करती है और नरिशमेंट देती है प्रदान करती है डर्मिस। द डर्मिस एस्यूम्स द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड सपोर्ट द वैस्कुलर नेटवर्क टू सप्लाई द अवैस्कुलर एपिडर्मिस विद नरिशमेंट। वह जो एपिडर्मिस है जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वह थर्मोरेगुलेशन एंड सपोर्ट द वैस्कुलर नेटवर्क में जो ब्लड सप्लाई है वो अवैस्कुलर यानी एपिडर्मिस में पोषण के साथ प्रदान करती है प्रोवाइड करती है। द डर्मिस कंटेन मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट। जो डर्मिस है वो फाइब्रोब्लास्ट में मोस्टली कंटेस्ट होती है विच आर द रिस्पॉन्सिव फॉर सिक्रेटिंग कोलेजन और वह सिक्रेटिंग को कोलेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड इलास्टिक एंड ग्राउंड सब्सटेंस दैट गिव द सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। जो स्किन को सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आल्सो प्रेजेंट आर इम्यून सेल्स। इसके अंदर इम्यून सेल्स होती है दैट आर इन्वॉल्व द डिफेंस अगेंस्ट फॉरेजन इन्वॉल्व पासिंग थ्रू द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस से होकर गुजरने वाले जो फॉरेजन सब्सटेंस है उससे भी हमें ये इम्यून जो सेल्स है वह डिफेंस करती है बचाती है। नेक्स्ट द डर्मिस इज ए स्ट्रक्चुरली डिवाइडेड इनटू द
टू एरियाज सुपरफिशियल एरियाज एडजस्ट टू द एपिडर्मिस कॉल्ड ए पेपिलरी जंक्शन ये एंड डीप थिकर एरिया नाउ एज द रेटिकुलर रीजन। पहला है पेपिलरी रीजन। द पेपिलरी डर्मिस कंटेंट्स वेस्कुलर नेटवर्क दैट हैव ए टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो पेपिलरी डर्मिस है उसके वेस्कुलर नेटवर्क में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। द फर्स्ट बीइंग ए सपोर्ट द एवैस्कुलर डर्मिस। वह फर्स्ट ये होता है कि वह एवैस्कुलर जो एपिडर्मिस है उसको सपोर्ट करती हैं एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स और उसको न्यूट्रिएंट्स की भूमिका एंड सेकेंडरी इट प्रोवाइड ए नेटवर्क फॉर थर्मोरेगुलेशन। दूसरा यह है कि ये थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखती है। द पेपिलरी रीजन इज द कंपोज्ड ऑफ लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो पेपिलरी रीजन में जो लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये सोजी उत्तक है। दिस इज नाम फॉर इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलेट दैट एक्सटेंड टूवर्ड टू एपिडर्मिस। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड ए पेपिलेट द एक्सटेंड टूवर्ड एपिडर्मिस। द पेपिलेट प्रोवाइड टू डर्मिस विद ए बम्पी। जो प्रोवाइड द डर्मिस विद ए बम्पी सरफेस इंटीग्रेटेड विद द एपिडर्मिस स्ट्रेंथिंग द कनेक्शन बिटवीन द टू लेयर्स स्किन। जो एपिडर्मिस है जो स्ट्रेंथिंग जो होती है कनेक्शन होता है जो बिटवीन टू लेयर्स होता है। द एवैस्कुलर इंटीग्रेटर्स इन द एरियाज कॉल्ड थर्मल पेपिलाई। द पेपिलाई डर्मिस आल्सो कंटेंट्स टू फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज रेटिकुलर रीजन। द रेटिकुलर रीजन लाइज डीप इन द पेपिलरी रीजन्स एंड इट इज़ यूजली मच थिकर। जो रेटिकुलर रीजन होता है वो डीप होता है पेपिलरी रीजन से और उससे मच थिकर भी होता है मोटा होता है। इट इज़ कम्पोज ए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड रिसीव्स इट्स नाम फ्रॉम द डेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलेजन्स। ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज को कम्पोज एंड रिसीव इट नाम फ्रॉम द डेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलेजन्स इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स दैट ए व्यू थ्रोक आउट इट। दीज प्रोटीन्स फाइबर्स गिव द डर्मिस इट्स प्रॉपर स्ट्रेंथ एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। आल्सो लोकेट विद द रेटिकुलर रीजन आर द रूट्स हेयर सेबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड रिसेप्टर नेल्स एंड ब्लड वसल्स। थर्ड इज हाइपोडर्मिस। द हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर एंड सुपरफिशियल फेशियल लाइज बिटवीन द डर्मिस। यानी हाइपोडर्मिस होती है जो डर्मिस सुपरफिशियल या सबक्यूटेनियस लेयर होती है एंड अंडरलाइन टिश्यू एंड ऑर्गन्स जो हमारे सभी ऑर्गन्स को अंडर कवर करती है। यानी थर्ड लेयर एपिडर्मिस से नीचे की जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है जो हमारे सभी ऑर्गन्स को कवर करती है। इट कंसिस्ट द एडिपोज टिश्यू जो एडिपोज टिश्यू को स्टोर रखती है इन द स्टोरेज साइट ऑफ द मोस्ट जो बॉडी के फैट है उसको। इट्स पर्पज इज टू अटैच द स्किन अंडरलाइन बोन मसल्स एज वेल एज सप्लाइंग विद द ब्लड वसल एंड नर्व। जो हाइपोडर्मिस है वह बोन्स से अटैच रहती है ब्लड सप्लाई ब्लड वसल्स और नर्व के लिए। इट्स कंसिस्ट टू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक। यह लूज कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक से कंसिस्ट होते हैं। द मेन सेल्स टाइप आर फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेगस एंड एडिपोसाइट्स। द हाइपोडर्मिस कंटेंट्स 50% ऑफ बॉडी फैट। जो हाइपोडर्मिस है वे कंटेंट्स होता है 50% बॉडी वेट का फैट यानी वसा का। फैट सर्वस आर पेंडिंग एंड इंसुलेशन फार ऑफ द बॉडी। अनदर नाम ऑफ द हाइपोडर्मिस इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू। दूसरा नाम होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट सर्व्स ए फास्टन द स्किन टू अंडरलाइन सरफेस प्रोवाइड थर्मल रेगुलेशन इंसुलेशन एंड एब्जॉर्ब शॉक्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ स्किन। माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक स्टेपलाइकोकस एपिडर्मिस कोलोनाइज ऑफ द स्किन सरफेस। द डेंसिटी ऑफ द स्किन फ्लोरा डिपेंड्स ऑफ द रीजन ऑफ द स्किन। द डिसइंफेक्टेड स्किन सरफेस गेट्स रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया रेसिडिंग इन द डीपर एरियाज ऑफ द हेयर फोलिकल गट एंड
यूरोजेनिटल ओपिनियंस, ये आ गया आपका हाइपोथर्मिस, जो स्किन की तीसरी लेयर होती है, जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स, लिगामेंट्स को, बोन्स को कवर करती है, जो हमारी बॉडी के बॉडी फैट से जुड़ी होती है, स्टोर होती है। दिस इज कंप्लीट योर टॉपिक। फर्स्ट डायग्राम इज थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर एंड सबक्यूटेनियस लेयर, देन इज मसल्स एंड हेयर फॉलिकल्स, जो ग्लैंड्स है ऊपर की तरफ, एपिडर्मिस सेबेसियस ग्लैंड्स, सेंसरी ग्लैंड्स एंड जो मसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, दिस इज एंड कैपिलरीज। सेकेंड स्ट्रक्चर इज एपिडर्मिस लेयर्स, फर्स्ट इज स्टर्नम वेसल्स, स्टर्नम स्पाइनोसम, स्टर्नम ग्रैनुलोसम, स्टर्नम लुसिडम्स एंड स्टर्नम कॉर्नियम। थर्ड स्ट्रक्चर इज स्किन, एपिडर्मिस डर्मिस, एपिडर्मिस डिवाइड टू पार्ट्स, दिस इज वेसल्स सेल्स एंड मेलानोसाइट्स एंड स्क्वैमस सेल्स। दिस इज टॉपिक, चैप्टर इज कंप्लीट स्किन, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टुमारो एज यूजुअल स्टडीज। थैंक यू एवरीवन।